नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोक अदालत में लोन का सेटलमेंट करने का क्या फ़ायदा होता है। मैंने हर अपने वीडियो में ये बताया है कि यदि आपके साथ सरफेसी एक्ट में लोन के रिकवरी संबंधित बैंक प्रॉब्लम करते हैं तो इसमें आपको सेटलमेंट कैसे करना चाहिए और आपका सेटलमेंट कहाँ पे अच्छा होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कमेंट करके व्हाट्सएप पे भी कि सर ये बताइए कि हमारा जो लोन है उसको हम सेटल सही तरीके से कैसे करें। देखिए, सेटल करने के लिए सबसे पहले बात अमाउंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस अमाउंट पे अपना लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं और बैंक जिस अमाउंट पे लोन सेटलमेंट करना चाहता है, ये दोनों अलग-अलग हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा कि कैसे आप अपने लोन को सेटलमेंट करेंगे लोक अदालत में तो आपको कितना फायदा होगा और क्या फायदा होगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विदित एरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले सरफेसी एक्ट लॉ संबंधित लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है और वह डिफॉल्ट कर देता है और जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो डिफॉल्ट करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे जब वह लोन सेटल करने की बात आती है तो वह कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है कि वह सेटलमेंट कैसे करे, वह बैंक से सेटलमेंट करे या फिर लोक अदालत में सेटलमेंट करे। बैंक से सेटलमेंट करने में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बैंक जिस अमाउंट पे आपको सेटलमेंट करने की बात करता है और वह अमाउंट आपके पास नहीं है तो वहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि बैंक आपको OTS यानी कि वन टाइम सेटलमेंट का भी ऑफर दे तो भी आपके पास पैसा नहीं है कि आप OTS कर ले। हो सकता है कि बैंक ने कुछ पैसे लेकर के सेटलमेंट की बात की हो लेकिन बाद में उसने फिर से जो पैसा बचता है रेस्ट अमाउंट उसकी रिकवरी के लिए फिर आपको परेशान करने लगे। तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं बैंक के सेटलमेंट के साथ होती हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले बैंक के मैनेजर के पास जाकर के बात करनी है। ध्यान रखिएगा कि आपको न रिकवरी एजेंट से बात करनी है और न ही किसी ऐसे कोई एजेंसी से बात करनी है जो सेटलमेंट कराते हैं। अगर आप ऐसे लोग चक्कर में फंस जाएंगे तो फिर आपके साथ उत्पीड़न होगा और लोग आपका शोषण करेंगे और फिर आपका जो पैसा है वैसा का वैसा ही बैंक के पास बकाया रहेगा और बैंक अपने पैसे के रिकवरी के लिए आपको फिर से परेशान करते रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बैंक के मैनेजर के पास जाना है। वहाँ पे आप रिटर्न में भी एक अप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ और मेरे पास ये प्रॉब्लम है। तो बैंक का मैनेजर आपको बताएगा कि आपको कितना पैसा देना है। तो वहाँ पे आपको डिमांड करनी है कि सर आपका जो भी टर्म एंड कंडीशन है वह एक रिटन पेपर पे यानी एक लेटर बना करके जो कि उस बैंक का ऑफिशियल लेटर पैड होगा उस पर वह अमाउंट जो वो बैंक लिखे और प्रॉपरली तरीके से यानी सही तरीके से मोहर और साइन उस पर देख लीजिए कि बैंक का मैनेजर का है या नहीं है। जब वह सही में आपके सामने मोहर मार के और सिग्नेचर करके वह देता है तो उस लेटर के साथ आपको अब क्या करना है, उस लेटर को लेकर के आपको सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट के लोक अदालत में जाना है। लोक अदालतें हर महीने लगती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी आप वहाँ पे सेटलमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका लोन अमाउंट भी कम हो जाएगा, सेटलमेंट अमाउंट भी कम हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है और बैंक ने आपसे 15 लाख में सेटलमेंट की बात की है तो हो सकता है कि लोक अदालत में आपकी जो सेटलमेंट है वो 12, 13, 10 जो भी अमाउंट है वह उनके मर्सी के ऊपर है, वहाँ पे उतने में ही सेटल हो जाएगा। दूसरी सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि बैंक रेस्ट अमाउंट की रिकवरी सूट नहीं डाल सकता है। कहने का मतलब यह है कि 15 लाख के लोन को अगर सेटलमेंट होती है 10 लाख में तो 5 लाख रुपए जो बचता है बैंक उस पर आपको परेशान नहीं कर सकता है भविष्य में कभी भी। तीसरी बात भी देखने को आती है
कि बैंक आपकी सिविल को नहीं खराब कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग अदालत में सेटलमेंट होते हैं वो पूर्ण रूप से न्यायिक होते हैं, लीगल होते हैं। और यहाँ पे बोरोर को मैंने देखा कि उनके सिविल को भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप अपने लोन को सेटलमेंट करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और भविष्य में आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपके सिविल पे भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या है सरफेसी एक्ट संबंधित, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही व्हाट्सएप के माध्यम से लीगल हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।